आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आई होप कि सब अच्छे और मस्त होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ चेहरा जो है भूत जैसा बन गया है। ये क्यों बन गया है? क्योंकि वंदना जी ने बोला है कि ये क्रीम है, ये अपने चेहरे पे लगाओगे तो सुबह जो है चेहरे पे काफ़ी लाइट रहेगा और धीरे धीरे चेहरे पे जो है शाइनिंग दिखेगा, गोरे दिखोगे। तो वो लगाती हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा गोरा हो लेता हूँ। वैसे तो मैं काला हूँ मैं कलूटी हूँ, मैं भी लगा लगा मैं काला हूँ, ये कलूटी है। तो हम लोग गोरे होने के लिए क्रीम लगा रहे हैं। वो कौन सा क्रीम लगा, जब गोरे हो जाएंगे तब बताएंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा फर्क दिखेगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हाँ काले और गोरे हो चुके हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि ऋषभ काफी रो रहा था, काफी परेशान कर रखा है कि मुझे आना है मुझे आना है। तो मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं जाऊँगा फिर लेके आऊँगा डबल लग जाता है और पास में तो है नहीं, दूर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अमित आते हैं ड्यूटी करने के लिए दिल्ली में, तो आएंगे तो लेते हुए आएंगे साथ में। तो वो बोले कि मेरा कोई फिक्स नहीं है मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो पूनम दीदी को भी जाना है कहीं, तो इसलिए मैंने कैब बुक कर दिया। पूनम दीदी, आरओ और ऋषभ साथ में ही आ रहे हैं और जैसे ही आएँगे फिर आप लोगों को दिखाएँगे। मैंने कैब बुक कर दिया है और दिखाते हैं कैब कहाँ पहुँची हुई है। हम जो तेल लेकर आए थे, मैं तेल लगाने जा रही हूँ। अब ये देखो चेहरे के साथ साथ बाल को भी शाइनिंग लाने के लिए लगा रही है। करना पड़ता है भाई, पतले भी देखो, पहले से पतले हुए देखो। तो यूज करने वाली है आदिवासी हेयर ऑयल जो कि काफी परफेक्ट ऑयल है, ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल परफेक्ट ऑयल है और बालों के लिए काफी सेहतमंद है। ओरिजिनल है, देखो पहले से मेरे बाल घने भी हो। देखिए जी कैब कहाँ पहुंची, जैसे 11:30 बजे तक आएंगे। देखते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं, नहीं आप लोगों को लगेगा कि झूठ बोल रहे हैं। अरे आएंगे तो रिसीव करने चले जाना नीचे ना। तो ये कैब बुक कर दिया है, देख सकते हैं सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप थोड़े एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे वहाँ। अरे बच्चे को हमने थोड़ा भेजा था, बच्चे अपने मन से गए थे। क्या एंजॉय कर रहे हैं, जो पहले करते थे वही अब भी कर रहे हैं, इसमें एंजॉय करने वाले अलग से दुनिया में रह रहे हैं। वही घर है, वही बिस्तर, वही खान पीन है। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे हैं, तेल खुला है। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे हैं बच्चे नहीं है आप दोनों अकेले हैं। रोमांस करो, मौज मस्ती करो यार, रोमांस ही करेगा। कुछ भी लोग कमेंट कर देते हैं। तो एक कैब चल रही है यहाँ से, मैं फॉलो कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पहुँची हुई है। कहाँ पहुँची है? अभी तो दूर है, अभी तो पहुँची हुई है सराय काले खा के पास, अक्षरधाम के पास। अक्षरधाम क्रॉस कर लिया है। जा तो चलिए, जब आएगा ऋषभ का एक बार फेस दिखाएंगे कैसा रहता है। घर पहुंचते उसके चेहरे पे लाइट आ जाएगा क्योंकि वहाँ काफी रो रहा था, चेहरा बना के। बच्चे हैं अब बाहर रहते हैं, मतलब कि वहाँ देखो कृति की मम्मी, आरो की मम्मी है और बच्चे, वो भी सोच रहा था कि मेरी मम्मी भी होती। बच्चे देखिए हो जाता है, बच्चे इतना दूर नहीं रह सकते, कभी 2 दिन 1 दिन का हो जाता है टाइम, लेकिन इतना देर से है। माँ बाप ही होते हैं बच्चे, उनसे दूर नहीं रह सकते ज्यादा देर तक। तो चलिए जब आएंगे तो फिर मिलाएंगे ऋषभ से, पूनम दीदी से, आरओ से। तब तक वीडियो बने रहिए। तो यहाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और दीदी से बात भी कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी वाला थोड़ा आगे लेके चला गया, तो मैं बोला पीछे से आना था क्योंकि उधर टेंट लगा हुआ है, उधर से गाड़ी नहीं आ पाएगी। अब आ रही है, ठीक है आ गई। तो गाड़ी वाला उधर से आ रहा था तो वहाँ टेंट लगा हुआ था, तो मैं बोला कि उधर से मत आओ इधर से आओ, और वो इधर से आ रहा है। वेलकम टू होम। ऋषभ सो गए क्या? आ जाओ ऋषभ को ले जाओ, सो गया ऋषभ, चलो। खूब रो रहे थे, पहुंच गए ऋषभ। अरे देखो गिरे गिरे पाया पा, चलो आ गए, उठो उतरो, आ जाओ उतरो उतरो, आ जाओ आरो। खुश बहा आई गए तो यहाँ ऋषभ आ गए और उनकी मम्मी काफी खुश है ऋषभ को पाके। ये तो ना हुआ अचानक से, रोने लगा। कल बोला वो आएंगी ना, बोली है ना 10 बजे आएंगी ना, का ताला भी पकड़ा है। नहीं नहीं जाते रहे ना, तो तक चले लेके आए। हम गए रहने तो बच्चे हैं, कभी रोने लगते हैं। बच्चे 1-2 दिन आ रह सकते, इनकी इनकी मम्मी थी, उनकी मम्मी थी, तो इसको लग रहा था मेरी मम्मी क्यों नहीं है यहाँ पर। महसूस तुम रह लोगे अपनी मम्मी के बगैर? तो क्यों रुके नहीं फिर? हाँ? क्यों रुके नहीं? तू ज्यादा बच्चा
जबरदस्ती लेके आ गए ना। हाँ। अब तुम दोनों आ गए तो कार्तिक का मन लगेगा, वो तुम लोगों के साथ ही खेलता था। कृतिक है ना, छोटी है। फिर भी उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि ऋषभ और इनके साथ ही खेलता था वो। शांति से वो बैठे तो रहेगा। गहरा शांति से बैठा रहेगा। पहले ना कहा कुछ ना, देखा बड़ा गंदा लगता था। नहीं मैं नहीं, कुछ ना मैं देखा गंदा है, दाग दाग। नहीं कहाँ दाग दाग है भाई, नहीं है दाग, तुम्हें क्रीम लगाई इसलिए तुम्हें दिख रहा है। ले जा बच्चा पहने, देखा जा देखा जा देखा कैसे गंदा है। नहीं जा भाई, सब कपड़ा काटन का ही सब ले जा, साइड में प्रेस करते भी सही रहे, यही सब लेके जा। अच्छा एक दिन पहन के जा बू, एक के दुई के पहन बू के साड़ी में, और राती के तू ट्रेन अरे जाबू तो पहुंच जल बे। अब कहां नहीं है, नहीं दोनों जने जा तू पहुंच लो। चेहरा देखिए, देखिए देखिए चेहरा कैसा बुखार है, जैसे लगा था कृतिक ने, देखो कृतिक ने हल किया है। देखो यार ये देखो कितना खूंखार है, देखो बोलो प्लस पूरा लगा के ठीक। तुम कृतिक से हार गए, क्रीम लगाई थी, कौन क्रीम लगाई है, ये लगाई थी क्या क्या है? नहीं जी कुछ भी लगा दूंगी, ये डाक्टर का गुस्सा की चेहरा चेहरा दिखता है। अरे नहीं ये ना नोचवा जाके ऐसे कहीं आरो की आर्यन के ऊपर ऐसे लूट के उसका सटवा उठा के उसको क्या करना, नहीं तो उसका नाखून काटना। देखो नाखून कटा है, नाखून बच्चों का कहां से लोच लेता है, नाखून उसका नुकीला बच्चे लोग कहां था। ये भी करता होगा तभी तो नोचा होगा वो, ये जानबूझ के पकड़वाता था। अच्छा अभी तो आज दोपहर में भी खूब पकड़ा था, जैसे लगता जंगल से तू आया, वहां कर आई बिल्कुल कर आई तू यार, पानी नहीं सही बता तू कर आई किशन कम्बल उम्बल कौन सोता है गर्मी में, तो यहाँ पे एसी चल रहा है, बहुत मोटा रहा है ना, ऐसे उठा के रख दिया। चलिए बने रहे, मिलते मॉर्निंग में। तो रात को सोए थे और सुबह उठ गए हैं, उठने का मन तो नहीं करता गर्मी में, चाहे ज़्यादा गर्मी हो चाहे ज़्यादा ठंडी हो। तो ये होता है कि गर्मी में क्या होता है ज़्यादा नींद आता है, और ठंडी में क्या होता है ठंड इतना लगती है रजाई से बाहर आने का मन नहीं करता। तो फिर भी काम है, उठना तो पड़ेगा। और सुबह की सबको गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दिखाते हैं सब लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं सुबह सुबह उठ कर। तो सबसे पहले बच्चों को देख लो, आरो यहाँ उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग आरो। ऋषभ बेटा गुड मॉर्निंग, देखे खुश हो, मुस्कुरा दे एक बार। अरे 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 तो ऋषभ घर पहुंच गए हैं अपने, और रात को देखे होंगे आप लोग वीडियो में खूब रो रहे थे। मत करो आरो, आरो उसको गुदगुदी कर रहा है। इधर वदना जी अपना घर की साफ सफाई में लगी हुई है, झाड़ू पोछा जो है। तो चलते हैं हम, कुछ दूध पानी चाय नाश्ता लेके आते हैं बच्चों के लिए। क्या लाना है जी, दूध फैन ले ले, चाय के साथ ही खाते हैं। हाँ फैन ले लेंगे, दूध ले लेना, चाय पत्ती नहीं है, चाय पत्ती भी खत्म। हाँ। चलिए तो लेके आते हैं चाय पत्ती दूध और फैन वगैरह। तो चलिए सामान लेके आते हैं और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।